बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। जो भी छात्र इस बार मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, तो आप इस न्यूज़ को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए देखते हैं बड़ी अपडेट को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि रिजल्ट की सभी जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक रिजल्ट को लेकर के जो बड़ी अपडेट है, बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 31 मार्च के बाद। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज है आज के लिए, जो भी छात्र जानना चाह रहे थे रिजल्ट को लेकर के। तो चलिए इस न्यूज़ को विस्तार पूर्वक जानते हैं। आज जो पेपर में छपी है इसके अनुसार, तो यहाँ पर देख सकते हैं संवाददाता पटना, बिहार बोर्ड वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 के रिजल्ट को लेकर स्थिति साफ हो गया है। मैट्रिक रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड के अधिकारियों ने बताया 31 मार्च, यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च से पहले रिजल्ट जारी करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकारी ने बता दिया है कि 31 मार्च से जो है पहले रिजल्ट जारी करना संभव नहीं है। मैट्रिक कुछ कॉपियों की जांच अभी भी बची हुई है, तो मैट्रिक की कॉपी की जो जांच है अभी भी बची हुई है, इसलिए 31 मार्च से पहले किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। रिजल्ट फाइनल तिथि बताने से अधिकारियों ने मना कर दिया है। सिर्फ इतना बताया है कि रिजल्ट अप्रैल में ही जारी किए जाएंगे। छात्र अफवाहों पर ध्यान न दे, अफवाह फैलाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। बोर्ड भ्रामक तथ्यों, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी खबर है, रिजल्ट जो है आपको 31 मार्च के बाद ही जारी होंगे, क्योंकि अभी तक जो है कॉपी की जांच हुई ही, कुछ कॉपी की जांच बची हुई है, इसलिए 31 मार्च से पहले किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 31 मार्च तक बोर्ड ने कॉपी जांच पर रोक लगा दी है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया जा चुका है। तो आइए हम आपको ऑफिशियल नोटिस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पर है कि दिस इज द ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। चलिए इस पर हम आपको ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है, इससे पहले जो देखिए रीजनल ऑफिस के बारे में सूचना दी गई थी, इनके लिए एक दिन पहले सूचना अपडेट है। और देखिए अभी हम 6:24 पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर जो है कि परिणाम जो इंटर का जारी किया गया था, वेबसाइट यहाँ पर है बताया गया है, दो वेबसाइट। उसके पश्चात देखिए ये बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट से संबंधित न्यूज है, सारा चीज़ यहाँ पर जारी हुआ था। अब देखिए जो टाइम है 7:30 घोषित किए जाएंगे, ये भी टाइम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि थोड़ी देर में ही श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2020 का परीक्षा फल जारी किया जाएगा, यानी पल पल की खबर इस पर जारी किया गया था 4 दिन पहले। अब देखिए ये मैट्रिक परीक्षा कॉपी चेक से संबंधित न्यूज है, यहाँ पर देख सकते हैं कि श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए एहतियाती के तौर पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 31 मार्च तक स्थगित रहेगा। तो आप लोग जान चुके हैं कि 31 मार्च तक जब स्थगित रहेगा तो रिजल्ट जारी करना संभव नहीं है, और यह भी जारी नहीं हुआ है कि 31 मार्च के बाद यानी 14 अप्रैल तक कॉपी जांच नहीं होगा। तो देखिए जब तक कोई न्यूज नहीं आ जाता, इसलिए कहना मुश्किल है कि 14 अप्रैल के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। अगर कॉपी की जाँच 31 मार्च के बाद शुरू हो जाती है तो रिजल्ट जो है आपको अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएंगे। अगर 14 अप्रैल के बाद शुरू होती है तो मार्च के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट मैट्रिक के आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप लोग यह मत बोलना कि आपने थंबनेल में कुछ लगाया और न्यूज़ कुछ है। देखिए सही न्यूज़ अगर थंबनेल के साथ दे तो आप लोग देखना चाहोगे ही नहीं, तो इसलिए ये सही न्यूज़ है, आप लोग अफवाह पर ध्यान न दें। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 31 मार्च के पहले न्यूज़ के अनुसार किसी भी परिस्थिति में मैट्रिक का रिजल्ट जो है जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि कॉपी जांच नहीं हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।